हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बेल का शरबत किस तरीके से बनाया जाता है इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बेल एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडकता प्रदान करता है और ये हमारे शरीर को गर्मी से भी बचाता है। तो चलिए बेल का शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक बेल का फल लिया है, थोड़ा सा काला नमक लिया है और इसी के साथ मैंने जीरे को भून करके उसे पीस करके उसका पाउडर बना लिया है और चीनी ली है। तो सबसे पहले हम बेल को तोड़ करके उसके अंदर के पल्प को निकाल लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए, इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे और एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम बेल के सारे पल्प को निकाल करके रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से निकाल लेते हैं हम सारे पल्प को और इस तरह से हम चम्मच से निकाल सकते हैं इसे आसानी से। और इसके सेल्स में भी बहुत सारे पल्प होते हैं, तो उसे भी हम चम्मच से निकाल सकते हैं इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से निकल जा रही है। तो इस तरह से मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है और अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसे हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, मैश कर लेंगे, जिससे कि इसके अंदर में बहुत सारे बीजे रेशे होते हैं वो निकल जाएंगी। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे मैश कर लेंगे और ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब इस तरह से हम जो एक्स्ट्रा रेशे वगैरह हैं उसे हम निचोड़ करके निकाल लेंगे, जिससे कि हमें इसे छानने में आसानी होगी। तो जितने हो सके इसमें से बीज और रेशे को हम हाथों से इस तरह से निचोड़ करके हटा लेंगे और इस तरह से हम इसे निकाल करके छान लेंगे। और बेल में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और ये हमारे शरीर को गर्मी के दिनों में मॉइस्चराइज रखता है और ब्लड प्रेशर की समस्या को भी ये दूर करता है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं, विटामिन ए, बी और सी इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से इसके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो इसका सेवन आप गर्मी के दिनों में ज़रूर कीजिए। और ये देखिए मैंने इस तरह से इसे छान करके तैयार कर लिया है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे ही पानी डाल करके पी सकते हैं। तो अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 छोटी चम्मच चीनी डाल दिया है और इसे हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारा शरबत बन करके तैयार है। और इसमें जीरा पाउडर, काला नमक ये सब डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं इसमें डालना तो आप इसमें डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। तो ग्लास में हम आइस क्यूब डालेंगे, तो आप जितना ठंडा इसे पीना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें आइस क्यूब डाल दीजिए और इसमें हम शरबत को डालेंगे और सर्व कर लेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इसी की तरह की और भी रेसिपीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।